के फेस्टिवल जो है काफ़ी जो बोली है आप जैसे देख रहे होंगे काफ़ी छोटा होता है, और इसको नॉर्मली जब सटा के आप मारेंगे तो वो कारगर हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ये ताकतवर होता है, इसमें कुछ नहीं है, पेन सिस्टम है। ये कवर खोले, उसमें एक एमुनेशन डाले और कवर टाइट किया और क्लिप को खींचे और फायर हो गया एक शॉट। मुंगेर में पहली बार एक नहीं दो नहीं बल्कि पुलिस ने पकड़े 7 पेन पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस। इस मामले में पश्चिम बंगाल से आई खरीदार सहित 3 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही उसके पास से 1,90,000 रुपये भी पुलिस ने किया जब्त। वहीं आर्म्स एक्सपर्ट ने बताया है वैल्यू टारगेट को मारने का काम आता है यह घातक पेन पिस्टल। दरअसल मुंगेर के सदर DSP राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी कि सोमवार की सुबह बाटा चौक के समीप कोतवाली थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पांडे के नेतृत्व में रोको टोको अभियान के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को देखकर ट्रिपल लोड मोटरसाइकिल पर सवार भागने लगा, जिसे खदेड़कर अशोक स्तंभ के पास पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो उसके पास से 7 पेन पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस व 1,90,000 रुपये नकद बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों का मोबाइल और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। वहीं गिरफ्तार तस्कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदा गांव निवासी मोहम्मद शमशेर उर्फ नसरू, पश्चिम बंगाल के गोपाल नगर थाना क्षेत्र निवासी बिलाल मंडल एवं अरमान मंडल को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि मोहम्मद शमशेर उर्फ नरसू कुख्यात हथियार तस्कर है, जो पहले भी जेल जा चुका है। वहीं उसने बेचने के लिए बहुत पहले ही पेन पिस्टल व उसका कारतूस मंगवा कर रखा था, लेकिन उस हथियार का खरीदार उसे नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद उसने पश्चिम बंगाल के तस्करों से संपर्क किया और उसी हथियार को खरीदने के लिए अरमान मंडल व बिलाल मंडल मुंगेर आया था। हथियारों की आपूर्ति बाजार में ही की गई थी, जिसके बाद शमशेर पश्चिम बंगाल के तस्कर को सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहा था, उसी दौरान वह गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि 25,000 रुपये के दर से प्रति पेन पिस्टल की उसने खरीदारी की थी, जिसे लेकर वह शाम में पश्चिम बंगाल ट्रेन से चला जाता। वहीं बताते चले कि मुंगेर जो हथियारों की मंडी के नाम से जाना जाता है, जहाँ AK-47 से लेकर छोटे हथियार बड़े आराम से मिल जाते हैं, पर अब तक पेन पिस्टल यहाँ नहीं मिला था, जिसका मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। इस मामले में आर्म्स एक्सपर्ट अवधेश कुमार ने बताया कि पेन पिस्टल काफ़ी घातक हथियार है, जो ज़्यादातर हाई वैल्यू टारगेट को मारने का काम आता है। यह एक साइलेंट किलर भी है। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अस्तित्व में आया था, जो खुफिया एजेंसी के काम आता था। मुंगेर में इसका मिलना बड़ी बात है, पर मुंगेर का बना हुआ यह नहीं है। इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। पेन का ढक्कन खोल इसके कारतूस जो साइज में काफ़ी छोटा होता है, इसको डालकर पुश करने के बाद यह फायर हो जाता है। यह एक घातक हथियार है, जो मुंगेर में मिलना एक बड़ी बात है। 11/12/2023 को SP मुंगेर सर के निर्देश पे कोतवाली में थाना और एडजॉइनिंग थाना में चेकिंग लगाई गई थी। यह चेकिंग अशोक स्तंभ तिवारी लस्सी दुकान के पास अचानक लगाया गया और चेकिंग स्टार्ट की गई तो कुछ समय के बाद एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार व्यक्ति वहाँ पहुँचे, लेकिन कुछ दूर पे आके वो रुक गए और अपने मोटरसाइकिल को घुमाते हुए भागने लगे। इस पे वहाँ पे तैनात पदाधिकारी जो थे उनको शक हुआ, उन्होंने उसको पीछा किया और पीछा करने के बाद उनको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उनके जो विधिवत तलाशी ली गई, तलाशी में आपके सामने पेन पिस्टल 7, जिंदा कारतूस 14, कैश 1.9 लाख रुपीज बना तीनों में बरामद हुए और साथ में मोबाइल और हमने मोटरसाइकिल को जब्त किया है। सर, ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले, कहाँ से पिस्टल खरीदने आए? देखिए, पहला जो गिरफ्तार व्यक्ति है जमशेर उर्फ नफरू, ये वर्धा गांव है हमारे मुफस्सिल थाना अंतर्गत वहाँ के हैं, और बाकी जो अरमान मंडल और विलास मंडल हैं वो आपके मिठूपारा गोपाल नगर पश्चिम बंगाल के हैं। ये लोग खरीदने के लिए यहाँ आए थे। सर, कितने में पेन ये जो हथियार खरीदने आए थे पेन? देखिए, तो अमाउंट निगोशिएबल है, लेकिन ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये बताया कि 20 से 22,000 रुपया या
के आसपास पर पेन पिस्टल ये चार्ज किए थे। सर मुंगेर में पहली बार इस तरह का हथियार बरामद हुआ है सर, पहले तो ऐसी हथियार बरामद नहीं थी पहले। इसका यूज कैसे करते हैं लोग, ये लोग खरीद करके कैसे यूज करते हैं क्या? हाँ, ये इनसे पूछताछ किया गया था तो इसके फर्दर कन्फेशन पे एक और व्यक्ति का नाम आया था जिसने ये पेन पिस्टल प्रोवाइड करवाया था और बहुत दिनों से इसके पास रखा हुआ था, वो बिक नहीं रहा था तो भी बहुत माध्यम से बेचने का कोशिश किया, जैसे कि उसने अपने स्टेटमेंट्स में बता रहा है। फदर ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है और जहाँ तक इसके ऑपरेशनल ऑपरेटिंग की बात है, जस्ट लाइक एक सिंपल सा आप पेन लीजिए, ये पेन है, इसको यहाँ से आप खोल देंगे और उसी में से एक इसका छोटा सा राउंड है जो उसमें इंसर्ट करने के बाद पीछे से खींचा जाता है तो वो लोड हो जाता है और फिर आगे एक जो ये है उसको दबाते हैं तो ब्लॉक ब्रिज आगे जाता है और फिर जो रिलीज होता है, जो बुलेट है, जो स्मॉल बुलेट है वो रिलीज होता है। कितना घातक है सर लोग खास कर ये इसको पास में यूज करें तो? देखिए इसका तो अब ये सब तो अब जैसे जांच होगा तो पता चलेगा, लेकिन हाँ इसमें कैजुअलिटी होने की संभावना प्रबल है। सर ये तस्करी करके लाया गया था या फिर यहाँ पे ही निर्माण हुआ था इसका? नहीं, इसे भी हम फर्दर पूछताछ कर रहे हैं। उसने ये बताया कि एक आदमी लड़का है, उसने उसको प्रोवाइड किया है। यहाँ के निर्माण के बारे में भी सघन पूछताछ जारी है। सर एक चीज ये कि 7 पेन पिस्टल पाए गए हैं, उसके साथ साथ कैश की भी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, तो इस विषय में और कहीं कुछ पिस्टल बेचा गया था या फिर साथ ही पिस्टल के साथ कैश का बरामद? सारे जो आपके क्वेरी हैं हम लोग इसके बारे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं और फर्दर जो भी आता रहेगा हम लोग। सर एक बात बताइए, जो गिरफ्तार हैं बर्थे के, क्या उस पर भी मामले दर्ज है या हथियार का या किसी प्रकार, वो करता क्या है? देखिए जो जमशेर उर्फ नफरू हैं, इसलिए आपने अभी कन्फेशन में बताया है कि उसके ऊपर पहले भी वो जेल जा चुका है हथियार आर्म्स ट्रेडिंग में, और फर्दर हम लोग इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सर घटना को अंजाम देने या तस्करी के ख्याल से ये पिस्टल मुंबई आई थी ये? अभी तो हम इसको पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी बेसिकली हमको लग रहा है जहां अब तक के अनुसंधान में ये तस्करी का ही पार्ट है। देखिए ये पिस्टल जो है सो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम का टेक्नोलॉजी है, ये उस समय में हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल खुफिया जो ऑर्गेनाइजेशन था किसी देश का वो करता था। ये ताकतवर होता है, इसमें कुछ नहीं है, पेन सिस्टम है, ये कवर खोले उसमें एक एमुनेशन डाले और कवर टाइट किया और क्लिप को खींचे और फायर हो गया एक शॉट। ये केवल एसनेशन के काम में आता है, इसका कोई सेफ्टी या टारगेट या हंटिंग इस सब में इसका कोई काम नहीं है। ये हाई वैल्यू टारगेट को सिक्योरिटी फोर्सेस से बचते बचाते हुए इंटर करके एसनेट करना। मुंगेर में ये मिला है तो क्या मालूम? ये मुंगेर का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये यूपी में हम कहीं कहीं पढ़े थे कि इस तरह का पकड़ा गया था, ये मुंगेर में आया है, ये मुंगेर का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हम जानते हैं खूब अच्छी तरीके से, ये कहीं बाहर से आया है, मे बी इम्पोर्टेड, वो तो बहुत गौर से हमने देखा नहीं, ऐसे अपेरेंटली जो दिखाया गया था पुलिस के द्वारा वो देखे। फिनिशिंग इसका थोड़ा लोकल टाइप था, मतलब कि मुंगेर का तो नहीं है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन फिनिशिंग लोकल टाइप था, मे बी बंगाल। ये कितना घातक हो सकता है? ये जनरल पिस्तौल से ज़्यादा घातक होता है, इसलिए कि इसमें बैरल लेंथ ज़्यादा बढ़ जाता है पेन साइज में। जनरल पिस्तौल का बैरल लेंथ 2-3 इंच होता है, या जो बहुत कॉम्बैट पिस्तौल होता है उसका 5-6 इंच, इसका ऐसे ही 5-6 इंच होता है जो कॉम्बैट पिस्तौल होता है उसके लेवल का। ये केवल केवल मर्डर करने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार हुआ।